रिफाइंड तेल कौन कौन खाता है आप में से? क्यों खाते हैं? क्योंकि वो टीवी में आता है और वो टीवी में आकर बोलती है, एक आदमी रहता है वो बच्चे के साथ खेलता रहता है और फिर हाँफने लगता है ऐसे ऐसे करके, तो उसकी पत्नी उसको देखती है और बोलती है अब इनका दिल जवान नहीं रह गया, है ना। तो फिर वो मार्केट में जाती है और रिफाइंड नाम का एकदम कचड़ा जैसा डिब्बा उठाकर लाती है और लाके उसमें तेल, समोसा, पकौड़ा, जलेबी, पराठा सब कुछ बना बनाकर खिलाती है। कुछ टाइम बाद वो आदमी फिर से दौड़ने लगता है और उसकी पत्नी फिर से उसको देख के बोलती है अब इनका दिल जवान हो गया। तो सपोला आपके दिल को रखे जवान, ऐसे करके कुछ आता है ना, सपोला या पता नहीं क्या क्या है वो, रिफाइंड तेल। मनुष्य सबसे मूर्ख प्राणी है ऐसा हम कह सकते हैं, आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, मनुष्य को बोल रहा हूं, सभी, उसमें मैं भी आ गया। क्यों मूर्ख है पता है? नेचर ने हमको कोई एक चीज दी थी, उसको खा पी के हम सब अच्छे थे, पर 100 साल में ना हमारी बुद्धि के अंदर पता नहीं क्या आया कि हमने हर चीज को रिफाइंड करना चालू कर दिया, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक और रिफाइंड पता नहीं क्या क्या, हर चीज को रिफाइंड कर रहे हैं। तो अब भाई धंधे का जमाना है तो मार्केट में मस्त दिखाया जाता है कि रिफाइंड तेल खाने से आपका दिल जवान हो जाएगा, कोई छरहरी काया वाली लड़की आके बोलती है मेरे सेहत का राज, ऐसे करके अपन भी खाते हैं ये सोच के कि ये खाया तो हमारी सेहत भी ऐसी हो जाएगी, होती नहीं, बात अलग है। ठीक, तो आज आपको मैं ये बता देता हूं रिफाइंड तेल अच्छा या बुरा ये मैं नहीं बोलूंगा, वो आप डिसाइड करो, वो बनता कैसे है सिर्फ मैं आपको बता दूंगा, पता तो हो भाई जो खा रहे कैसे बनता है। तो रिफाइंड तेल बनाने के लिए वो क्या करते हैं, बीज ले लेते हैं, कोई भी फल जो भी तेल निकाल रहा है उसका बीज ले लिया। अब बीज निकालने, बीज ले लेने के बाद आजकल तो सबसे घटिया पाम तेल यूज होता है, रद्दी, सबसे कचड़ा तेल, ठीक है, पाम तेल जो विदेशों से आता है, वो लेके वो क्या करते हैं, वो जो बीज है उसके अंदर का तेल निकालना है तो वो ज्यादा से ज्यादा तेल निकले, ठीक है, पीसते समय उसको एक प्रक्रिया करते हैं जिसका नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मतलब तेल निकालने का जो प्रक्रिया है उसका अंग्रेजी नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसमें हेक्सेन नाम का एक केमिकल मिलाते हैं। हॉट क्या नाम है ना, हेक्सेन, कुछ मस्त महान होगा कुछ। अब ये क्या करता है हेक्सेन, हेक्सेन ये एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल से बनता है, पेट्रोल से निकलने वाली कौन कौन सी चीज खाते हो आप, थोड़ा टेस्ट वेस्ट तो करके देखो स्वाद चेंज होगा नहीं। एक तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये जो केमिकल किस में डाल रहे हैं, आपके तेल में जो आप रिफाइंड तेल खाने वाले हो, हाँ। इसके बाद ये जो डाला जाता है हेक्सेन कि ज्यादा से ज्यादा तेल निकले, वो क्या क्या करता है आपके शरीर में, डिजीनेस, आलस, अगर आप तेल वेल खा के भी एकदम सब कुछ खा कर भी आप ऐसे हो यार एनर्जी नहीं है तो कहीं ना कहीं हेक्सेन है, ड्राउजीनेस, चक्कर वक्कर आना, ठीक है, डलनेस, वही उसी का भाई डिजीनेस का, ऐसे जो लोग रहते हैं, हेडेक, सिरदर्द, ये कौन करता है, जो आपके रिफाइंड तेल में केमिकल डालते हैं वो करता है, ओके, नौजिया, उल्टी जैसे लगना, उल्टी होगी नहीं पर ऐसे लगता है कि उल्टी हो जाएगी, ये वो, वीकनेस, कमजोरी, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, ठीक, अब रिफाइंड तेल खिलाओगे तो कौन सा पहलवान बनेगा, अनकॉन्शियसनेस, चक्कर खा के गिर जाना, कॉन्शियसनेस ही चला गया, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत दर्द होता है, दवा खाए बिना पेट का दर्द जाता ही नहीं, सब कुछ कर लिया पता ही नहीं चल रहा पेट का दर्द क्यों है, तो रिफाइंड तेल का हेक्सेन, ठीक है, सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट, आपके शरीर का तो सत्यानाश करता ही है, आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो, जिस पर्यावरण में रहते हो उसका भी सत्यानाश करता है, ये सिर्फ एक केमिकल, हाँ एक केमिकल, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो और क्या डालते हैं रिफाइंड तेल के लिए, नेक्स्ट, फिर वो डीगमिंग करते हैं, मतलब अब तो एक पहले तो तेल निकालना था, तेल निकाल लिया केमिकल डाल के, अब ये जो तेल है ये तेल का कुछ ना कुछ सुगंध होगा, हर एक तेल का गंध होता है, आपकी आंख बंद कर दें और आपकी आंख में पट्टी बांध दें और आपके नाक के पास सिर्फ तेल के आए
तेल लेकर आए तो आप सूंघ के बोल दोगे ये नारियल का है, ये सरसों का है, ये तिल का है, ये अलसी का है, बता सकते हो? इतनी तो नाक अपनी अच्छी है ही, है ना? क्यों? क्योंकि हर एक तेल के अंदर विशेष तरह का प्रोटीन है जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा है। तो वो क्या करते हैं, ऑयल नीड्स टू बी रिफाइंड, तो उसका जो भी टेस्ट है, जो भी गंध है, वो सब का सब निकाल लिया जाता है। और जैसे ही उस तेल के अंदर का स्मेल, गंध, ये सब निकाला, वो सिर्फ और सिर्फ एक कचड़ा बचता है। आप देखो आपके रिफाइंड तेल में कोई सुगंध नहीं होगी। आप एक शुद्ध तेल रख लो, नारियल का ही रख लो, यहाँ पे नारियल बहुत होता है, और रिफाइंड नारियल का तेल रख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बचता है, उस कचड़ा बचता है जिसको कि ब्लीच किया जाता है, और उसका कलर वलर सब, रिफाइंड तेल देखो एकदम पानी की तरह आपको पतला दिखता होगा, है ना? वो करते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्या करते हैं, डीऑर्डराइजिंग। फिर ये सब तो अब कर्मकांड कर ही लिया, पर अभी भी रिफाइंड तेल बना नहीं है। इसके बाद वो तेल के अंदर का जो ऑर्डर है, जो स्मेल और ये सब है, उसको हटाने के लिए 2000 सेल्सियस, 2000 सेल्सियस मतलब आप पकौड़े पकाते हो ना तेल वेल में, जो भजिया बनाते हो और तेल एकदम खौलने लगता है जिसको बोलते हो, उस तेल को खौलाया जाता है। ठीक है, खौलाने के बाद क्या करते हैं, अब वो जो तेल जिसको प्रकृति ने, जिसको हम तेल बोल सकते थे, वो सब गया उबालने के बाद। अब क्या बचा, वो सिर्फ कचड़ा बचा है। ठीक है, और उसी को आपको बाद में प्रिजर्वेटिव और ये सब डाल के नेक्स्ट पैक करके आपको दे दिया जाता है कि लो रिफाइंड तेल खाओ। अब बोलो, ये बाद में रखना उसके पहले, अब बोलो कि ये रिफाइंड तेल आपके किस काम का है। दुनिया में, मैंने आपको पहले बोला था, वर्ल्ड में हार्ट के जितने भी पेशेंट है, 60% हमारे देश में। कैसे हमारा देश इतना हार्ट का रोगी हो गया? 8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आता है, 8 साल के बच्चों को। आज से 50 साल पहले अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो एक बड़ी न्यूज बन जाती थी, जहां तक मुझे याद है कि इवन 90s के टाइम पे भी, कि कोई हार्ट अटैक से मरे ना तो मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती होता था, अरे पता है उसको हार्ट अटैक हो गया, एक खबर बनता था। आजकल हार्ट अटैक है, हाँ ठीक है, हार्ट अटैक क्या है, चूरन चटनी है जैसे कि, हार्ट अटैक ही तो आया था। तो वो जो आपका हार्ट है, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का, उन सबका सत्यानाश इन टीवी कंपनियों ने या इस तेल ने किया है। तो अब आप देख लो, जिस तेल में इतना केमिकल ये सब डाल के बनाया जाता है, वो आपको खाना चाहिए कि नहीं। ओके, और एक चीज है तेल के बारे में, कि तेल को एक बार गर्म कर लिया ना तो दोबारा उसे गर्म कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। आपका रिफाइंड तेल तो ऑलरेडी फैक्ट्री में 200 डिग्री सेल्सियस पे उबाल लिया है, अब घर पे क्या फिर आप गर्म करोगे? और हम में से कई लोग उसमें भजिया बनाने के बाद फिर से रख देते हैं, नहीं कल भी काम आ जाएगा ये। ओके, सो रिफाइंड तेल छोड़ो और उसके बदले शुद्ध तेल खाओ, जो आज से पहले घानी का, या नहीं मिलता तो फिल्टर तेल खाओ एटलीस्ट। ठीक है, फिल्टर तेल, फिल्टर मतलब जिसको छान के वो बनाते, उसके अंदर केमिकल वेमिकल नहीं होता। फिल्टर तेल खाओ या घानी का तेल खाओ।